मशहूर है कि गुजरात की औरतें गुजरात के मर्दों पर हावी रहती हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, किस्सा मैं सुना दूं आपको। अरे बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे कुछ दोस्त बाहर बैठे हुए थे, मेरी बीवी ने बहुत जोर जोर से अंदर से बोलना शुरू किया, अच्छा मौली साहब, अच्छा मौली साहब तुम्हारे ऊपर भी डांट पड़ती है, अच्छा बहुत मजा आया सुन करके। तो मैंने कहा ये तो अच्छाई की अलामत है कि औरत की डांट खा ले। लोग आजकल शर्म की बात समझते हैं, मौलवी जो है वो तो औरत की डांट खाता ही खाता है। नहीं खाता? दाल भी खाता है, डांट भी खाता है। सुन लीजिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब का किस्सा सुन लीजिए। जबरदस्त शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह दो आदमियों में से एक आदमी को ईमान दे दीजिए वरना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है काम करना। यही तो दुआ थी ना आका की। तो आका के मुराद थे, ये हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर लें। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा दूसरे सहाबा में और हजरत उमर में क्या फर्क है, तो हजरत ने फरमाया दूसरे सहाबा मुरीद थे और उमर इब्न खत्ताब मुराद थे, मांगे गए थे, इस्लाम की जरूरत थी, अल्लाह से मांगा था और अल्लाह से दो आदमियों का नाम लिया था। फिर अल्लाह ताला ने, ये मैं कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया था दो में से एक, तो नबी के मुराद थे और अल्लाह के सेलेक्टेड थे। कैसा मुकाम था? हजरत उमर इब्न खत्ताब, बड़े बड़े जाबिर लोगों के पांव कांपते थे उनके सामने, खड़े होके बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, और ऐसा मर्तबा और शान थी कि कोई बात अगर समझ में नहीं आती थी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी गुफ्तगू फरमा लेते थे कि नहीं मेरी राय तो ऐसे है, ऐसी शान थी। एक मर्तबा ये फरमाया भी, एक जमाना वो था कि जब हमारी औरतें हमारी तरफ देख के बात करने की हिम्मत नहीं करती थी, आका आप तशरीफ लाए, आपने हमें ऐसा बना दिया कि ये औरतें हमारे सर पे सवार हो गई। कौन शिकायत कर रहा है? नबी अलैहिस्सलाम रंजीदा थे, गमगीन थे, दुख में थे, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब उन्हें खुश करने के लिए ये शिकवा कर रहे हैं उनके सामने। आका मुस्कुरा दिया, कहां कि औरतों को कहां पे रखा हुआ था उस सोसाइटी ने औरतों को, और मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पहुंचा दिया। वो उमर इब्न खत्ताब अपने घर में है, अमीरुल मोमिनीन है, एक सहाबी बहुत परेशान हो गए अपनी अहलिया से, शिकवा लेकर के पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कबल इसके कि बाहर से कोई अंदर से हजरत उमर बाहर तशरीफ लाते, उनके कान में आवाज आ रही है अंदर से औरत के बोलने की और वो जोर जोर से खफा हो रही है। तो उन्होंने सोचा मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, यहां तो खुद ही डांट पड़ रही है, वापस चल दिया। इतने में हजरत उमर बाहर निकल के आए, देखा दरवाजे पे कोई नहीं है, एक साहब जा रहे हैं, बुलाए, अरे अरे कहां जा रहे हो, इधर आओ, तुमने दरवाजा खटखटाया था। हाँ जी मैंने खटखटाया था, क्यों चले गए? कहा मैं अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, लेकिन यहां भी ऐसे ही मामला देखा तो मैं क्या बोलूंगा, आपसे क्या शिकायत करूंगा। हजरत उमर ने फरमाया भाई वो मेरी मेरी हमनशीन है, मेरे बच्चों की मां है, वो मेरे काम करती है, कपड़े धोती है, मेरे क्या कहते हैं खाना बनाती है, मेरे साथ अच्छा मामला करती है, मेरे घर को संभालती है, अब वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी तो किसके ऊपर गुस्सा करेगी। आजकल फैशन हो गया, कहीं कहीं उल्टा भी चल रहा है, तो सुन ले नौजवान लोग, कुर्ब कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोग अपनी बीवियों की बात मानने लगेंगे और वालिदैन की बेइज्जती करने लगेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा इधर भी नहीं झुकना है, बहुत ज्यादा उधर भी नहीं झुकना है।
کمینپن کی پہچان بتاتی ہے کہ جس مرد کی بیوی اس سے ڈرنے لگے، جس شوہر سے اس کی بیوی ڈرنے لگے، یہ سمجھ لو کہ وہ شوہر کمینہ ہے. بہادر نہیں ہے، کمینہ ہے. کمینپن کی پہچان ہے یہ. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا. یغلبن کریما، شریف لوگوں کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا سارے مولوی اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اور ڈانٹ کھاتے ہیں کیونکہ شریف ہوتے ہیں. اچھا، جو مولوی اپنی بیوی کے ڈنڈے سے پٹائی کرتا ہو اور وہ بیچاری ہاتھ جوڑتی ہو، کیسا ہے وہ؟ ہے کوئی مولوی ایسا؟ ہے کوئی؟ نہیں ملے گا، ڈھونڈتے رہیے، نہیں ملے گا انشاءاللہ. ایسی امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے کہ کوئی مولوی نہیں ملے گا اور کوئی شریف آدمی نہیں ملے گا. شرافت کی پہچان یہی ہے. ایک عجیب قصہ ہے، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ. ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا، مجھ سے میرے شوہر نے کبھی زندگی میں لہجہ بدل کر بات نہیں کی، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. جیسے آدمی کی گفتگو میں ذرا تیزی آ جاتی، کوئی غلط بات نہیں کہی لیکن تیز انداز میں کہہ دی. ارے کہہ تو رہا ہوں نا، ہوتا ہے نا، سبھی لوگ کرتے ہیں. کہا کبھی میری زندگی میں میرے شوہر نے مجھ سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. اور ایک اور بات کہی، کبھی مجھ سے ایک گلاس پانی پانی نہیں مانگا کبھی زندگی میں. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو میرے بھائی، جو آدمی اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی اولاد کو بے عزت بنا دیتا ہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ سماج میں باعزت بنے، مر جاؤں گا میرا نام اونچا کرے گی. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، مزدور ہو، مالدار ہو، دولت مند، کوئی ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. کبھی نہ کبھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خواہش بیٹھی رہتی ہے کہ میری اولاد سماج میں باعزت مقام لے کے جائے. لیکن جو آدمی اپنی بیوی کو بے عزت کرتا ہے